हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। आज भारतीय मजदूर संघ का 66वां स्थापना दिवस जहाँ पे अपने शोषण हुकूमत ने रखते हुए जहाँ पे मनाया है और भारतीय मजदूर संघ केंद्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार भारतीय मजदूर संघ ने राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार को एक चेतावनी जैसा नोटिस केंद्र सरकार को दिया है, जिस केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी जो नीतियाँ हैं उसको लेकर भारतीय मजदूर संघ ने निर्णय लिया है कि एक सप्ताह 24 से लेकर 30 जुलाई तक सरकार जगाओ कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ पूरे देश के अंदर चलाने जा रहा है। उसके बीच देश के अंदर जितने भी संसद हैं संसदों को मांग पत्र दिए जाएंगे, डीसी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र भेजा जाएगा, जहां देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को डीसी के माध्यम से भेजा जाएगा वहाँ हर नागरिक अधिकारी के माध्यम से भी देश के और प्रदेश की सरकार को मांग पत्र 24 से लेकर 30 जुलाई तक भेजे जाएंगे। इसमें आपकी क्या मुख्य मांग रहेंगे? इसमें जैसे केंद्र सरकार की जो श्रमिक विरोधी नीतियां, जैसे प्राइवेट सेक्टर में 7 घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12-12 घंटे जो काम उनका जो समय बढ़ाया गया है, वो हम चाहते हैं कि वो ऐसे कानून को सरकार वापस ले। आंगनबाड़ी आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी घोषित करे सरकार, और जब तक इनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती तब तक इनको क्या बोलते 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। और लॉकडाउन के समय देश के अंदर लाखों की तादाद में जो लोग काम छोड़कर घर बैठे हैं उनको सरकार तुरंत नौकरी का कोई प्रबंध करे। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।